भाई तो हम दोनों की गर्लफ्रेंड के अपा सारा मान ली, वरना उनकी लौंडिया को ये घुमा देते चलिए एक मिनट। आंटी कितना हाथी है? यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ये रही, 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 ये रही। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? चरे हाँ, ये मेरा कजिन है मेरे साथ में फैज, ये जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, और अभी हम हैं नजीबाबाद में। तो बाइक है तेरे पास? पहुँचते हैं। देख तो लेते कितना पॉइंट है भाई, देख तो लेते भाई, टायर वायर गायब हो जाएगा। हम तो बिजनौर से आ रहे हैं, बिजनौर से ब्लॉग बना रहे हैं भाई, इसलिए बिजनौर से यहाँ आ गए ब्लॉग बनाने के चक्कर में। सही है, यही है वो बदतमीज जो जा रहा है हमारे साथ आज घूमने। गाइस हमारे पीछे चल रहा है पूरा फॉरेस्ट एरिया राजा जी नेशनल पार्क का, जो पहले भी वीडियो में दिखाया था मैंने। ये वाला एरिया ना फैज मेरा सबसे फेवरेट एरिया है अभी तक का फॉरेस्ट का। एक ये और एक पाखरो वाला, ये दोनों गाइस ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, बहुत पसंद है मुझे फॉरेस्ट एरिया वाला। दोनों साइड यहाँ पे फॉरेस्ट है, चलो एक का। गाइस वी जस्ट रीच टू कोटद्वार और सामने है मेरे पहाड़, मैं आपको दिखाता हूँ इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे, वाह। अभी गाइस हम कोटद्वार पहुँच चुके हैं और यहाँ से 24 से 28 किलोमीटर के आसपास चरेक पड़ता है और अभी जा रहे हैं। एक्चुअली हम किसी काम से आए थे, अभी अंदर खाने पीने नहीं आए थे, हमारा रोज़ आया वैसे, हम खाएंगे नीचे शाम से पहले। अभी जा रहे हैं हम वापस ऊपर की साइड जहाँ से वो रास्ता जाता है ऊपर पहाड़ों में। भाई जी देखो पन्नी वाली शादी, हमारे यहाँ जब हम छोटे छोटे थे बचपन में हुआ करती थी, एक दौर के बाद देखी भाई साहब पन्नी वाली शादी। शादी नहीं है वो, रमजान की वजह से लगा रखी मतलब जो भी है तो पन्नी वाली डेकोरेशन क्या करो साइड आगे से है बदतमीज। हम पहाड़ों में, आप देख सकते हैं हमें पहाड़ों में, वी आर इन माउंटेन्स, सी पहाड़ ओवर देयर, यही है। चलो 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 लेट्स गो। ये देखो स्टार्टिंग में हमारी कपल हो गई है और गाइस लोग यहाँ कपल के साथ आते हैं, मैं इसके साथ आया हूँ, ये है ये बहुत अच्छा भाई, लोग घूम जा रहे हैं। इस जगह की जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, वो ये है कि लेंसडाउन से बहुत पहले पड़ता है एक तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ क्या है अभी बताते हैं, ये लेंसडाउन का जो एटीट्यूड है वो इससे कम है और इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है लेंसडाउन से, और लेंसडाउन इन किलोमीटर्स इससे ज़्यादा है और लेंसडाउन से किलोमीटर में ये कम है। दिस इज अ फैक्ट, चरेक का फैक्ट है। और जिसको चरेक आना है, आने के लिए क्या करना है, पहले डिस्ट्रिक्ट बिजनौर पहुँचा रहे फोन हमें फ़ोन कर रहे हैं ब्लॉग बनाएंगे, पहले बिजनौर पहुँचे, पहुँचने के बाद आप कोटद्वार आए, कोटद्वार आने के बाद आप चरेक की साइड में घूम जाएं। गाइस अब हम आपको एक जगह दिखाते हैं जहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है, यहाँ पे कपल भी बैठा है, चुपके से कपल भी दिखाऊंगा, देखो कितना प्यारा कपल है। यही तो थी जहाँ पे मैंने रील बनाई थी पहले, एक्चुअली गाइस मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। ये नीचे वाला कोटद्वार का व्यू है पूरा, वो जो नीचे दिख रहा है ना ये पूरा कोटद्वार है, बहुत अच्छी जगह है गाइस आइए। ये देखो ये देखो ये देखो कोई बात नहीं भाई, सबके दिन है, हमारे दिन में ये है, ये हमारे दिन में भाई दबे क्या कर रहे हो आप, मुझे क्यों खींच रहे हो भाई, मुझे लगता है डर ऊंचाइयों से, इसलिए मैं ऊंचा नहीं उड़ना चाहता लाइफ में। गाइस कपल को देखा कैसे मौज कर रहे थे कपल। हमारी बाइक पूरी ताकत लगा रही है गाइस, अपना 100% दे रही है हमें घुमाने के लिए, आप भी अपना पूरा 100% दीजिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करने। आप मेरे साइड में देखिए ये कोटद्वार का पूरा जंगल चल रहा है, इस साइड मतलब इस साइड ही रहा। कल फ्रेंड वो जो पीछे गाड़ी गई है ना, इतना बेहतरीन कट मारा है इसने गाड़ी वाले ने कि हम
इतना डेंजर बैट हमारा था गाड़ी वाले तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ आए तो लुक एट द डीप फॉरेस्ट, इतना डीप फॉरेस्ट था, अलग ही मजा है भाई, जंगलों का तो मजा ही और है। जगह देखो आप लोग भाई साहब, तो गाइस ये बचा है 11 किलोमीटर चरेक और हम जा रहे हैं चरेक। चलो भाई चलो, लेट्स गो गाइस। यहां से बिजनौर से यहां तक बट मूड क्रैश रहेगा हफ्ते भर, रोड इतनी गंदी हो रही है, लेकिन रोड अगर खराब है ना, मगर फायदा आने का जब ही है, जब गर्लफ्रेंड आ गाइस हम दोनों की गर्लफ्रेंड का अपा सारा मान ली, वरना उनकी लौंडिया को ये घुमा देते हैं चरेक में, चरेक में चरेक में चरेक में मजा आ जाता, सेल्फी डालती इंस्टाग्राम पे लिख के नाइस व्यू चरेक घूमती लड़की चरेक। जब घूमने आती ना क्या क्या लेकर आती, फेस कोल्ड ड्रिंक लेकर आती, चिप्स का पैकेट और क्या लाती बताओ भाई, सिगरेट की डब्बी। मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ बिल्कुल भी, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैटर जी। एक तो यार ये जितने बड़े बड़े पत्थर पड़े ना, ये बोल्डर्स होते हैं, इनको ज्योग्राफिकली बोल्डर्स बोलते हैं, बोल्डर्स, और ये सारे दूर से ऐसा लगते हैं जैसे हाथी, देखो अचानक से रात में तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, मगर कुछ भी कहो व्यू बहुत बढ़िया है, जब भी आओ यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ भाई, असल में यहाँ व्यू इतना बढ़िया है ना, अगर आप आ रहे हो यहाँ तो गर्लफ्रेंड के साथ ही आओ, लग रहा ना मनाली लद्दाख वद्दाख आ गए हो, अरे बिजनौर से 28 किलोमीटर है भाई बस, चलो तुम्हें क्या हुआ, ये सामने जो हो रहा है ना ये रैश रैश से जो रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या हो रहा है पता है, जब लैंडस्लाइड होती है ना यहाँ पे पत्थर गिरते हैं तो उसके निशाने हैं, वो देखो जगह कितनी सी है, वो बाइक वाला निकल रहा है यहाँ पे या फिर गाड़ी वाला निकलेगा, ये देखना रोड की हालत कितनी सी रोड है बस, ये नीचे अगर जंप लगा दो तो आप 1-2 हज़ार जाओगे, 1-2 हज़ार फुट नीचे जाओगे, मगर कई हज़ार फुट ऊपर जाओगे फिर उसके बाद नॉन स्टॉप, पहले आप नीचे जाएंगे फिर आप ऊपर जाएंगे। ये देखो ये जो है ना ये लैंडस्लाइड होती है जब, तो ऐसे ऐसे टूट जाते हैं, कुछ तोड़े भी हैं, ये मैन मेड भी हैं, ये सब ये मैन मेड भी है, इन्होंने रोड चौड़ी करने के लिए तोड़ रखा है, मगर कुछ कुछ जो इनके पैचेज हैं वो है और भाई साहब जगह देख लो भाई, हिल नहीं रहा, जगह बहुत अच्छी है, बहुत गहरी जगह है, यहाँ जब भी आओ गर्लफ्रेंड के साथ आओ। गाइस देखना जरा नजारा, यार मेरा फोटो लगवानी है, अब मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ चारपाई डाल के मैं सो जाऊँ, घर वर जाएंगे बाद में। चरेक कैसा लगा फैज बताओ? ऑसम ऑसम। गाइस फैज भाई पहली बार चरेक आए हैं, मेरा ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पता नहीं कौन सा, नहीं नहीं पहाड़ों में जब भी कुत्ते भौंके ना भाई समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सही बता रहा हूँ। चलो गाइस फोटो शूट हो चुका है, सेल्फी मोड भी लिया है, कुछ पोर्ट्रेट लिए हैं, कुछ नहीं एक दो ही लिए हैं पोर्ट्रेट, और अभी हम बैठ गए अपनी सवारी पे, लेट्स गो। फ्रेंड वालों के लिए होटल वगैरह बने हुए हैं, आओ रहो गाइस, रावणी गांव आ चुका है यहाँ, जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी थी इस वाली शॉप पर, रोड भाई ऐसी हो रही डायरेक्ट बजरी बिछ रही है, अरे भाई देखना जरा क्या हालत है रोड की, रोड बननी चाहिए ग्रेविटी जैसी, हाँ ग्रेविटी जैसी जगह है ना उसके हिसाब से रोड बननी चाहिए और अच्छा हो जाएगा। गाइस अभी हम यहाँ से ना अपनी बाइक टर्न कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था रोड का, हाँ हाँ वो जो पैच चढ़ रहा है ऊपर से वही है ना, हाँ तो वही सही रास्ता बताया था मैंने तुम्हें, गाइस मैंने बिल्कुल सही रास्ता बताया था, वो बिल्कुल सही था, अभी अंकल ने बताया हमें उधर से ही जाने का, वही सही था, इसलिए कहते हैं जो दिल ने पहली बार पुकार करी है ना उसकी सुनो, हर केस में अगर आपकी गर्लफ्रेंड है जब, मैं यही कहना चाहूँगा जगह बहुत अच्छी है, जब भी आओ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का परिमाण है कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड का आपको वीडियो भेज दो,
कि थारी लौंडिया को हेम घुमा के ला रहा था मैं। वापस उसी रूट पर आ चुके हैं हम गाइस, जो हमने अभी छोड़ा था पीछे। एक्चुअली रास्ता सही था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था रास्ते में, तो वो अभी अंकल से पूछा, अंकल ने कहा वहीं से ही है, उधर से ही जाओ। तो अभी हम वापस उधर से जा रहे हैं। गाइस रास्ता देख रहे हो कैसा हो रहा है, देखो भाई साहब डायरेक्ट पत्थर ही जा रखे हैं, रोड तो बनानी घुट गए शहर। ये देखो, देखे ना, देखे रोड में क्या है भाई, रोड के नाम पे कुछ भी नहीं है, जगह दी सब। लेकिन हमें हैवी ड्राइवर जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। HFD लक्स है, HFD का सीडी 100, HFD लक्स, HFD लक्स है, HFD लक्स है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें चले, एक बहुत पसंद है जो कि 7 किलोमीटर दिखाए यहाँ पे। हाँ भाई, वो 3 बता रहे थे अंकल, अंकल ने धोखा दे दिया हमें। मैं सोच रहा हूँ घुमा लो सब। ये है वो ढाबा भाई, बहुत अच्छा खुला हुआ है, ढाबा जावा कहते। मैं कहना चाहूँगा जो भी गर्लफ्रेंड वाले ढाबा जावा कैफे। रोड तो पूरी खराब है, ये थोड़ी बहुत भी नहीं, ये मुझे लग रहा है 14-15 किलोमीटर तक पूरी खराब है ना गाइस। रोड की बड़ी कसम से ऐसी हुई पड़ी है, मैं इसको नेगेटिव में नंबर भी नहीं देना चाहता, इतनी गई पूरी रोड है। रोड बननी चाहिए, जितनी अच्छी जगह है ना बननी चाहिए, और ये शायद बनने के लिए पड़े हैं ये पत्थर पत्थर, मगर अभी चर एक 6 किलोमीटर दिखा रहा है, पहाड़ों का 6 किलोमीटर पड़ता कम से कम 12 किलोमीटर, क्योंकि एक तो राउंड इतने आते हैं, चढ़ते 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 बहुत टाइम लगता है गाइस। माउंटेन्स इतने अच्छा लग रहा है ना। अरे ये एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है बल्कि, यहाँ रुक रुक सकते हो आके, उधर भी है सामने भी। ये है वो चरेक रेस्टोरेंट, ठंडा लग रहा है भाई गजब। ये पीछे पहाड़ वहाड़ है ना, जब एयर टकराती है पहाड़ से तो वो फिन प्रोड्यूस करती है। अभी गाइज हम रुक गए हैं बीच में बिल्कुल फॉरेस्ट के, रुक के गए हैं भाई, बाइक ठंडी करेंगे, बाइक बहुत गर्म हो गई चढ़ते चढ़ते। ये खड़ी हमारी बाइक, जगह बहुत अच्छी है गाइज, जब भी आओ गर्लफ्रेंड के साथ आओ। सुन लिया गाइज, रूट पाए हो आप किस पे, जहाँ पे खड़े हैं? और क्या भाई, ऊपर तक गए थे। ऊपर क्या है, तो ऊपर एक व्यू है बस, वो दिखाना है। सही है, सही व्यू है, तो पुराना वाला व्यू डाल देना ना इसमें। मेरे पास वीडियो नहीं है उसका। क्यों कहेंगे, है ही नहीं, बनाया नहीं था उस टाइम में वीडियो उसका, व्लॉग बनाया नहीं था, व्लॉगिंग करते नहीं थे उस टाइम में, उस टाइम में सिर्फ हम घरेलू बकचोदी करते थे। ये तो फोटो से ली होगी, इसकी स्टोरी पे लगाई होगी। जंगल हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये पेड़ है, ये घासें हैं, जंगल हमारे, ये हम हैं जंगल के आगे, जंगल हमारे पीछे, हम जंगल के आगे। टू मच फन, कहीं की बात आ रही, किसकी बात आ रही है? हाँ लोड़ रहा है वो महल, चिपट गया ना, भागने की जगह नहीं मिलेगी, निकल लो। महल नहीं है कुछ और की बात है गाइस, जगह ऐसी लग रही है ना जैसे राज मूवी की शूटिंग हुई है। जब तो घना जंगल, एनिमल्स जो यहाँ पे है ना फेस, एक तो टाइगर है, टाइगर नहीं है साइड में पैंथर ज़्यादा है, पैंथर है, एलिफेंट है बहुत, और एक बियर है। जगह तो भाई बड़ी गजब की है, देखने से लगती है गजब जगह। एंड गाइस वी हैव रीच्ड टू कहाँ, एक चरेक आ चुके हैं गाइस, हम बहुत ही मेहनत लगी है यहाँ तक आने में। ये देखो आप चरेक के ऊपर ये कॉटेज वगैरह बने हुए हैं। खैर गाइस हम पहुँच चुके हैं चरेक, 0 किलोमीटर बचा। रास्ता बहुत गजब है भाई, इप्सा चीड़ के पेड़ खड़े हैं जितने भी खड़े हैं, चीड़ का फल होता है, चलता ही बहुत अच्छा है, अगर कहीं बड़ा होगा तो मैं दिखा दूंगा चीड़ कौन सा होता है। गाइस वो चीड़ का फल जो मैं कह रहा था, और इसको हमने लिया है, सूख चुका है ये, एक मेरे पास भी है, मैं भी दिखा दूंगा। मैंने अभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था, वो जो है अभी मैडम ब्रेकअप हो गया, अल्लाहुम्मा खैर हो गई है, खैर मेरी उनके लिए रखा हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सारी है, मैं किस किस को दूं। व्यू देखो गाइस क्या गजब का व्यू है भाई, बताओ कब नहीं आना चाहिए इंसान को यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ। इतना प्यारा व्यू को बस, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को पहाड़ ना ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे होते हुए। क्यों भाई ऐसे क्यों दिख रहे हैं पता ही नहीं, हवा की आवाज है सब,
ये टकरा रही है ना पहाड़ों से, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। आपको गाइस आवाज आ रही है हवा की? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ियां चल रही हूँ या फिर हाईवे पर आवाज आती है दिल्ली नोएडा में, ऐसी आ रही है क्या? पागल हो गए, चलो जल्दी बस। गाइस ये देखो आप सामने, ये बादल दिख रहे हैं ना बहुत नीचे, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से पकड़ लो, ये रहे। बताओ ऐसा व्यू कैसे छोड़ दोगे आप? बिल्कुल भी नहीं छोड़ा मैंने भाई, जरूर आओ चल एक घूमने, बहुत बढ़िया जगह है। मगर गर्लफ्रेंड को साथ लाओ। गजब, देखो आवाज गूंजेगी यहाँ मेरी, किरण किरण गूंज रही थी ना आवाज, किरण 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 किरण, देखो गाइस मेरी आवाज गूंज रही है यहाँ पे। वी आर जस्ट कलेक्टिंग द वाइब्स। तो गाइस चरेक हम पहुंच चुके हैं, आगे की रोड बहुत ज्यादा खराब है, ये देखो आप चरेक लिखा है यहाँ पे जीरो, और वो हम आगे तक अभी गए थे, देखा होगा आपने वीडियो में, और अभी हमने सोचा है वापस चलने का। अब हम जो है ना बहुत थक चुके हैं, वैसे भी सुबह से हम जो है ना बाइक चला रहा था मैं भी, और बाइक में जो है बहुत ही गंदी वाली आवाज आने लगी थी, जिसको देख मैंने सोचा कि वापस अच्छा है कि वापस चल रहे, क्योंकि आगे का रोड बहुत गंदा हो चुका है। और फिर आज हमारा रोजा भी है, तो अभी चार बज रहे हैं ना, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी भी और बाइक की भी, बस। और चार बज चुके हैं भाई, अभी सोच रहा हूँ वापस जाना है, जाने में भी टाइम लगेगा, सो वी हैव डिसाइडेड सो वी शुड टेक अ टर्न, तो गाड़ी हमने मोड़ दी है। आंटी नीचे की तरफ है, चले जाए हम, हमको लेके जाना तब आपको लेकिन लेने के लिए आएंगे भैया, इनको छोड़ देना तब आना, हम जाना हमें भी वहां पे तक बस उस मोड़ तक लेना। कितना हाथी है देखो ना, वहां पे तक नहीं है हाथी, बैठ खड़े वहां पे, तो जहां पे पत्थर है वहां पे तो छोड़ देना वहां पे, टाइम नहीं मिलेगा भागने का। अजब आप खड़े थे ना तो मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पहले हमें छोड़ के आ जाओ जरा बाइक में, ना 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 बाइक में लेके जाना भैया। तो आंटी हम कहाँ जाएंगे? आपसे किसने कहा, आपने देखा यहाँ पे? देखा क्या, अभी देखा हमने उसको यहाँ पे, एक काम करो कोई गाड़ी आएगी ना उसका वेट कर लो, वही बताएगा। नहीं नहीं छोड़ देंगे आपको, आप बेफिक्र रहिए, हाँ टेंशन मत लीजिए, छोड़ देंगे। नहीं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर कोई गाड़ी आएगी तो बता देगा वो कि है कि नहीं है, हम तो खुद खड़े हैं, हम तो खुद खड़े हैं, हमें भी तो उधर ही जाना है, हम कहाँ जाएंगे। गाइस यहाँ पे हाथी आ गए, जंगली हाथी आ गए गाइस, झाड़ी की आवाज आ रही है, अगर इधर से भी आ गया ब्लॉक हो जाएंगे। तुम बाइक पे बैठो बे, एकदम आएगा पता नहीं चलता, फैज मजाक नहीं कर रहा मैं, एकदम आएगा भाई पता भी नहीं चलेगा कब मैं आ गया, बड़े बड़े कदम रख के आता यही दिखेगा तुम्हें दो मिनट में, बैठ जाओ तैयार रहो। और आप कैसा करेंगे अगर आ गया तो, आप एक काम करना, पेड़ की ना आड़ में हो जाना, इस वाले के ये इस वाले को जाना, इसमें इसमें जगह है, इसमें गैप है, इस वाले में हो जाना, हाँ पेड़ों के बीच में, पेड़ के बीच में आ जाना, आवाज मार दूंगा मैं आपको, हाँ आंटी बोलना तो हम समझ जाएंगे कि ठीक 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 है ठीक है, या अगर नीचे उतर गया होगा ना तो हम लौट के आ जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे आगे, ऐसा कर लेंगे, मगर आप आराम आराम से चलना, भी जाना मत एकदम से। गाइस हाथी हमें मिल गए हैं, ये हमें मजा आ रहा है, एडवेंचर हो गया आज तो मौज आ गई यार, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जा देख के, आते हम देख के आते हैं। किधर किधर सुनी थी तुमने आवाज़? आंटी है अभी, आना मत, आ गया आ रहा आ रहा, रुको आ रहा, रुको 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 रुको, तुम स्टार्ट रहो भाई, धरिए इधर, आ गया, रुको 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 ना, अबे कोई नहीं, ये हाथी है भाई, रुको तो सही, पता भी जंगल का वो कहते, अरे पता है भाई, रुक जाओ दिखेगा तो उतरता हुआ, इतना टाइम ना लगा हाथी उतरने में, ये भी पता है, बंद करना एक मिनट बाइक, बंद करो, ना ना स्टार्ट नहीं, उसके बाद ये सेकंड टर्न पे ही, हाँ और मगर ऊपर खड़ा है वो उधर की साइड में, झाड़ियों में खड़ा है, देख के जाना आप, ठीक है ओके ओके। क्या हेलीपैड कहाँ पे है, हेलीपैड हाथी कहाँ पे, यहीं पे है, यहीं पे सेकंड वाले टर्न पे, यहीं पे बगल पे ही, हाँ अकेला होगा वो, अकेला, आपको भी मिला था क्या? कल मिला था, अच्छा अच्छा कल मिला था, पीछे पड़ रहा है वो सबके, अभी अभी हम आ रहे थे ना, अटैक करने लगा एकदम से, हाथी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हाथी को ढूंढ रहे हैं, मेरे को पूछ रहे,
हाथी कम मिलेगा वरना मिले मेरे मिलेगा हाथी घूम रहा है वो मोड़ बड़ा ये मोड़ पे होगा जी 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 मोड़ पे था अकेला जी 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 अकेला ही है अरे पीछे पड़ रहा था वो तो हमने भगा ली एकदम से भगा ली वो तो चेस कर रहा था वो एकदम से जी 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 अच्छा कल पीछे भाग रहा था वो आपको डायरेक्ट मिला होगा वो कल अच्छा अच्छा भाई अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो थैंक यू सो मच और डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट ऑन आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अगर नहीं करा है तो कर दो कर नहीं कर दिया है तो भेज दो मतलब कुछ ना कुछ कर दो और चरिक जरूर आए और जब भी आए गर्लफ्रेंड के साथ आए ओके